नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा हलचल। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। प्रश्नकाल के साथ ही सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और सदन की कार्रवाई के दौरान विधानसभा कमेटियों की रिपोर्ट आज सदन के पटल पर रखी जाएगी। हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण बिल, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी बिल और हरियाणा स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल बिल समेत 15 महत्वपूर्ण बिल आज विधानसभा में पेश किए जाएंगे। तो 15 अहम बिल आज पेश किए जाएंगे। हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र का आज आखिरी दिन है और जिस तरीके से ये सत्र चलता आ रहा है, तमाम चर्चाएं हुई हैं, बहस हुई है, बजट पेश किया गया है, बिल पास कराया गया है, तो आज अहम 15 बिल पेश किए जाएंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि तमाम चर्चाएं जो हुई हैं और जो चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, चाहे वो बजट को ही लेकर हो, विपक्ष सीधे तौर पर सरकार को घेरता नजर आया है और बजट को लेकर उनका साफ तौर पर ये कहना है कि किसी भी वर्ग के लिए इस बजट में कुछ भी खास नहीं है। सरकार का कहना है कि बजट आम लोगों के हित में है, उनके लिए फायदेमंद रहेगा। लेकिन कांग्रेस की अगर बात की जाए तो किरण चौधरी और कांग्रेस जो है उनका कहना है कि जो आंकड़े हैं उन्हें तोड़ मरोड़ कर सिर्फ पेश किया गया है, लेकिन बिल में आम जो बजट है उसमें आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है खास। और इसी के साथ कैग की जो रिपोर्ट पेश की गई है उसे लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। तो कैग रिपोर्ट पेश होने के बाद सरकार को सीधे तौर पर घेरा जा रहा है। कह सकते हैं कि विपक्ष को एक और मुद्दा मिल गया है और उस मुद्दे को लेकर अब फिर से सरकार को घेरने की कोशिशें की जा रही हैं। इससे पहले आपको बता दें कि इनेलो के 15 विधायकों को भी निलंबित किया गया था और इसी के साथ उस निलंबन को वापस भी ले लिया गया था। फिर से सदन की कार्रवाई को शुरू किया गया और आज आखिरी दिन है। तो बजट सत्र की शुरुआत जिस तरीके से हुई, विपक्ष सरकार को घेरता नजर आया और अलग अलग मुद्दे रोजाना सदन में गूंजते नजर आए। कई अहम मुद्दे जो हैं लेकर सदन में विपक्ष भी आया है और सरकार की अगर बात की जाए तो सरकार भी पूरी तैयारी के साथ ही यहां पर आई थी। और आज आखिरी दिन है, कल आठवां दिन था सत्र का। कल का दिन भी काफ़ी खास रहा, काफ़ी अहम चीज़ें हुई हैं। बजट पास कराया गया है, कैग की रिपोर्ट पेश की गई है और कैग रिपोर्ट पेश होने के बाद सरकार को घेरना शुरू कर दिया गया है और काफ़ी ऐसे वर्ग बताए गए हैं जिनमें काफ़ी ऐसे क्षेत्र बताए गए हैं जिनमें सरकार की तरफ से नुकसान हुआ है। लेकिन बीजेपी सरकार का कहना है कि जो कर्ज हमें मिला है वो पूर्व सरकार का दिया हुआ है। और वही विपक्ष सीधे तौर पर कह रहा है ये जो बजट पेश किया गया है आम जनता के हित में बिल्कुल नहीं है, कई खामियां हैं बजट में। और जिस तरीके से कह सकते हैं कि 2019 में चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले अंतिम पूर्ण बजट ये जो पेश किया गया है इसमें जनता के लिए कुछ भी खास नहीं है। हर वर्ग की अगर बात कर ली जाए तो सिर्फ आंकड़ों के साथ ही खेला गया है। और बात की जाए अगर सरकार की तो उनका कहना है कि सभी के लिए ये बजट काफ़ी अहम है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और सभी के लिए खास रहने वाला है। तो आज आखिरी दिन है, विधानसभा का रुख करेंगे जहाँ पर हमारे संवाददाता कुमार रमेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो कुमार रमेश, आज आखिरी दिन है, क्या कुछ खास रहने वाला है सत्र में? देखिए, अभी प्रश्नकाल चल रहा है और प्रश्नकाल अभी ख़त्म ही हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि आज 15 करीब जो विधेयक हैं वो पेश किए जाएंगे, जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट है और इसके अलावा जो सरकार की कृषि कल्याण योजना की एक नई इकाई थी उसके बारे में जानकारी है। इसके अलावा अगर बात करें तो विधायकों के वेतन भत्ता संबंधी जो संशोधन विधेयक है वो भी आएगा और ये अनुमान के लगाया जा रहा है कि उस बारे में कि उस वेतन जो वृद्धि हुई थी ये माना जा रहा था कि भाजपा शासित राज्यों में सबसे अधिक जो वेतन वृद्धि है वो केवल हरियाणा में हुई। हाँ। तो सूत्र ये बताते हैं कि शायद सरकार जो है, जो मौजूदा मंत्री हैं, जो मौजूदा विधायक हैं, उनका थोड़ा सा वेतन घटा सकती है। इसके अलावा जो एक्स MLAs हैं उनके वेतन के बारे में भी सरकार विचार कर रही है। जब ये संशोधन, ये जो विधेयक सदन में पेश किया जाएगा जी, तो स्पष्ट हो पाएगा। अगर वेतन घट गया तो आप समझ सकते हैं कि किस कदर जो है मंत्री और चाहे विधायक हों वो नाराजगी व्यक्त करेंगे, सदन में हंगामा जरूर करेंगे, क्योंकि आज की बढ़ती हुई महंगाई में सभी को चाहत होती है कि अधिक से अधिक वेतन मिले और जब वेतन की कटौती होती है तो कहीं ना कहीं सदन में हंगामा होने के पूरे पूरे चांसेस बनते दिख रहे हैं। बिल्कुल, 15 अहम बिल पेश किए जाएंगे और कौन कौन से अहम बिल इसमें रहने वाले हैं रमेश?
देखिए बड़े अहम बिल हैं, एक संस्कृत यूनिवर्सिटी का बिल है वो भी आएगा, इसके अलावा जो नगर निगम है उसका भी संशोधन बिल आ रहा है, इसके अलावा नगर पालिका का भी संशोधन बिल आ रहा है, और इसके अलावा और भी जो डिपार्टमेंट्स हैं कृषि कल्याण विभाग उनका भी संशोधन बिल आ रहा है। सरकार ने जो अभी हाल ही में नगर निगम भंग करके जो है उसको नगर पालिका में कन्वर्ट करने की कोशिश की थी, उसका भी एक बिल सदन में पेश किया जाएगा ताकि उसको पारित कराया जा सके और वो लागू हो जाए। तो सरकार अपनी ओर से लगभग 15 बिल पेश कर रही है और सदन में माना जा रहा है कि सारे के सारे 15 जो बिल हैं वो सारे पास हो जाएंगे, क्योंकि बहुमत तो इनके पास सही है। वहीं विपक्ष अगर किसी बिल का विरोध करेगा तो सबसे बड़ा ये है कि जब उनके वेतन भत्ते कटौती के बारे में जब मामला आएगा तो शायद उसमें वो विरोध कर सकता है। विधानसभा कमेटियों की रिपोर्ट भी रमेश आज पेश की जाएगी। बिल्कुल, देखिए अलग अलग कमेटियां बनती हैं विधानसभा की जिसमें अलग अलग MLAs और मंत्री होते हैं। ये कमेटियां जो दरअसल एक अपने आप से एक अगर इसका जो कार्य करने का तरीका देखा जाए तो वो एक IAS का रूप होता है, वो अपनी जो सिफारिशें होती हैं वो विधानसभा को देती है। हाँ। और विधानसभा ये जो सारी जो भी सिफारिशें होती हैं वो चीफ सेक्रेटरी को और मुख्यमंत्री को भेजता है। तो ये विधानसभा की जो कमेटियाँ होती हैं वो एक साल में क्या कार्य किया, उन्होंने कहाँ कहाँ दौरे किए और क्या रिपोर्ट निकाली, कितना उन्होंने भ्रमण करके क्या क्या डाटा इकट्ठा किया, उन चीज़ों की रिपोर्ट आज जो है सदन में पेश की जाएगी और उस पर भी चर्चा होगी। और इसके अलावा आज जो है सदन का आखिरी दिन है तो इसके बाद ये माना जा रहा है कि लगभग 12 से लेकर 1 बजे के बीच में सदन जो है आज अनिश्चितकालीन के लिए जो है समाप्त भी किया जा सकता है। आज आखिरी दिन है, कल 8वां दिन था कुमार रमेश, 8वां दिन भी काफी खास रहा है और कैग रिपोर्ट जिस तरीके से पेश की गई है उसे लेकर भी कहा जा रहा है कि विपक्ष को एक और एक अहम मुद्दा कह सकते हैं मिल गया है सरकार को घेरने के लिए। बिल्कुल, देखिए CAG की रिपोर्ट्स में साफ तौर पे कहा गया है कि सरकार ने जो खर्चे किए वो कहीं ना कहीं अनावश्यक हैं, जबकि सत्ता पक्ष के लोगों को कहना है कि CAG का काम है कमेंट करना, CAG की रिपोर्ट को सदन में पेश तो किया जाता है लेकिन उस पर चर्चा नहीं की जा सकती। वही विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि सरकार जो है अपनी मनमानी तरीके से पैसे खर्च कर रही है, सरस्वती नदी पर जो पैसे लगाए जा रहे हैं, जो सरस्वती नदी इतिहास में डूब चुकी है, खत्म हो चुकी है, जो लुप्त हो चुकी है, उसको ये आज के काल में उसको अवतरित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो यथावत संभव नहीं है, उस पर जो लगाया जा रहा है पैसा वो टोटल वेस्ट है, इस प्रकार की बात विपक्ष कर रहा है। उसके अलावा उन्होंने और भी बड़े मुद्दे उठाए, उन्होंने कहा कि आज स्कूलों की क्या हालत है उसके बारे में भी जो है CAG की रिपोर्ट में कमेंट किया गया है, और भी ऐसे बड़े से मुद्दे हैं जिसके बारे में CAG रिपोर्ट में कमेंट किया है। और सबसे बड़ी बात है कि आज CAG की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है 3 बजे, वो 3 बजे वो टोटल विस्तार से पूरी चर्चा करके बताएंगे कि सरकार को कहाँ कहाँ पैसे बचाने चाहिए थे जो सरकार ने अनावश्यक रूप में खर्च किए हैं। प्रश्नकाल की अगर बात की जाए तो प्रश्नकाल के दौरान कुमार रमेश क्या कुछ अहम प्रश्न रहे जो सरकार के सामने रखे गए? प्रश्नकाल के दौरान अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो परमिंदर सिंह ढुल ने भी कई मामले को उठाया, उन्होंने कहा कि सड़कों की जो हालत है वो थोड़ी सी सुदृढ़ होनी चाहिए, कुछ कई इलाकों की जो ग्रामीण सड़कें हैं उन वो भी बनने चाहिए, तो इस पर कृषि मंत्री उन्होंने बताया कि वो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि जो है कई योजनाओं को ला करके जो ग्रामीण सड़कें हैं वो मंडियों से कैसे जुड़ जाए उस बारे में विचार चल रहा है। उसके अलावा जो राव नरवी PWD मंत्री हैं उन्होंने भी सदन में कई जवाब दिया कि काफ़ी सड़कों का सुधारीकरण हो चुका है और भी कुछ सड़कों का जो सुधारीकरण का काम चल रहा है, और ऐसे ही एक यमुना पर पुल बनाने की जो मांग है वो श्याम सिंह राणा जो विधायक राजौर उन्होंने रखी, जिस पर सदन में जवाब दिया गया कि जल्दी पुल जो बनाने की कार्यवाही है वो पूरी कर ली जाएगी, उसका DPC तैयार हो चुका है और बस अब उस काम शुरू होना बाकी है। हाँ। और ये माना जा रहा है कि जल्दी वो काम कंप्लीट भी हो जाएगा। कुमार रमेश, आज आखिरी दिन है सदन का, तो क्या कह सकते हैं कि कौन कौन से आज अहम मुद्दे रहने वाले हैं जो सदन में उठाए जाएंगे? देखिए सदन में सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार को घेरने के लिए कुछ जो पुरानी योजना है जो उनकी बात कर रहा था वो ये कहेगी कि 4 साल में सरकार का जो कार्यकाल है। हाँ। उस कार्यकाल के अंदर सरकार ने 4 साल में कुछ क्या किया क्या नहीं किया ये सबको पता है, वो कहीं ना कहीं बताने की कोशिश करेंगे कि जो उम्मीदें भाजपा के लोगों से थी वो भाजपा क्यों पूरी नहीं कर पाई। उन्होंने सदन में इन्हीं चीज़ों को मांग रखा, भ्रष्टाचार का एक बड़ा अहम मुद्दा है जिसको लेकर के विपक्ष सरकार को घेरने में लगा रहता है, नौकरियों का जो बड़ा मुद्दा है वो भी सदन में घेरने में लगा रहता है, क्योंकि विपक्ष को ये लगता है कि सरकार ने जो वादा किया था नौकरी लगवाने का वो उस तरीके से पूरा नहीं किया जो उन्होंने कहा था।
जबकि सत्ता पक्ष ये कहता है कि वो नौकरियां उन्होंने बहुत सी निकाली, लेकिन कई नौकरियां जो है हाईकोर्ट में निलंबित है और हाईकोर्ट में अभी विचाराधीन होने के कारण उस पर काम नहीं हो पाया। फिर भी उनकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जैसे फैसला आता है तुरंत उसकी ज्वाइनिंग कराया जाए, क्योंकि सरकार का जो लक्ष्य है लाखों लोगों को नौकरियां देने का वो उनको पूरा करना पड़ेगा। आने वाला जो चुनाव का वक्त है तभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बता पाएगी कि हमने अपने चुनावी वादे को पूरा किया और लाखों लोगों को नौकरी दी है, और जो नौकरियां जो अटकी हुई उनको सरकार कोशिश कर रही है कि जल्दी से बनाए, सबके लिए काफी लाभकारी होगा, जनता के हित में है। लेकिन अगर विपक्ष की बात की जाए तो उन्हें कितनी खामियां नजर आ रही हैं, आप वो कितने संतुष्ट हैं बजट से? देखिए बजट में जो विपक्ष है वो कहता है कि केवल आंकड़ों का खेल है, आंकड़ों में से बताने की कोशिश की गई कि बजट में बहुत कुछ दिया गया। उनका साफ तौर पर कहना कृषि के लिए बजट में कोई लंबा चौड़ा प्रावधान नहीं है। हाँ। और इसके साथ साथ एजुकेशन पर सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। एजुकेशन की स्थिति यह है कि स्कूलों में टीचर्स नहीं है और सरकार नए नए स्कूलों खोलने की बात कर रही है। नए स्कूल तो आप तब खोलिए जब आप पहले टीचर्स भर्ती कीजिए, क्योंकि जिन स्कूलों में टीचर नहीं है वहाँ की शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत है ये किसी छिपे नहीं। इस प्रकार की विपक्ष आवाज़ उठा रहा है। उनका साफ तौर पर कहना कि कई चीज़ों को लेकर के बजट में कुछ दिया ही नहीं गया है। हाँ। जैसे सरकार ने कहा था कि वो 600 बसें खरीदेंगे, उसके बारे में कुछ तो बसें खरीदी गई, लेकिन जो अभी आगामी जो बसें खरीदने उसके बारे में बजट में कोई चर्चा नहीं है। इस चीज़ को लेकर के भी विपक्ष ने सवाल खड़ा किया। तो विपक्ष की नज़र में जो बजट है वो केवल आंकड़ों का खेल है। हाँ। उनको लगता है कि सरकार ने इस बजट में कुछ भी नहीं दिया, जबकि वित्त मंत्री ने सदन में साफ तौर पर कहा कि इस बजट में बहुत कुछ दिया गया है। और जबकि विपक्ष जो है बजट को पढ़ने के बजाय अपनी जो दिमागी रूपी जो बजट है, जो उन्होंने अपने माइंड सेट कर रखा है कि बजट ऐसा होगा, वो उसी तरीके से बोल रहे हैं। लेकिन हाँ। बजट में सबके लिए कल्याणकारी योजनाएं हैं और कहीं ना कहीं हरियाणा को लाभ होगा इस चीज़। चलिए कुमार रमेश, आप बने रहिए और भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो जिस तरीके से अभी आपने सुना, हमारे संवाददाता ने कहा कि केवल आंकड़ों का खेल है विपक्ष का कहना है, लेकिन बजट में कुछ भी खास नहीं है आम जनता के लिए। सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि चंडीगढ़ से आ रही है, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय के प्रवास का आज दूसरा दिन है। कैलाश विजयवर्गीय सरकार और संगठन की बैठकें लेंगे, तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर सरकार और संगठन की बैठकें विजयवर्गीय लेने वाले हैं। विजयवर्गीय युवा मोर्चा से सीधा संवाद करेंगे। तो चंडीगढ़ हरियाणा निवास में सभी बैठकें होने वाली हैं, सरकार के कामकाज और संगठन की मजबूती पर चर्चा होगी, कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लिया जाएगा। तो सरकार के कामकाज और संगठन की मजबूती पर चर्चा की जाएगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार रमेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय बैठकें करने वाले हैं, क्या कुछ खास अपडेट है? वो दरअसल स्थानीय नेताओं की बैठक भी ले रहे हैं आज। ऐसे ही कैलाश विजयवर्गीय जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं वो आ रहे हैं, और वो भाजपा विधायक दल के जितने भी नेता हैं और भाजपा विधायक दल के जितने विधायक हैं उन सभी की बैठक भी लेंगे। इससे हाँ। पहले वो युवा मोर्चा की बैठक लेंगे। बैठक लेने के बाद जो विस्तृत रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं केंद्रीय कमेटी को देंगे। आप समझ सकते हैं कि किस कदर आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से कमर कस रही है, और जहां जहां से भी कमियां उसका फीडबैक लेकर के उसको पूरा करने की कोशिश करेगी। तो कह सकते हैं आने वाले चुनावों को लेकर रणनीति जो है वो बनाई जा सकती है। बिल्कुल, देखिए कैलाश विजयवर्गीय क्या है, क्योंकि वो सारे दिग्गज रहे हैं, उनको पूरा आंकड़ों का खेल पता है, उनको पता है कि कहां से कैसा फीडबैक लेना चाहिए और क्या बताना चाहिए। तो इन सब चीजों से राय लेकर के वो आगे पार्टी हाईकमान को बताएंगे। इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी के एक एक विधायकों से मिलेंगे और उसके साथ साथ मंत्री से मिलेंगे। बार बार ये अमूमन शिकायतें आती रही है कि भाजपा जो विधायक है वो आवाज उठाते रहे कि उनकी सरकार में सुनवाई नहीं होती, मुख्यमंत्री से वो बार बार कहते हैं, और लेकिन उसके बावजूद भी हाँ। उनके जो कई काम है वो रुक जाते हैं। तो आज ये माना जा रहा है कि जब विधायकों की मीटिंग कैलाश विजयवर्गीय के साथ होगी। बिल्कुल रमेश, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। तो सीएम मनोहर लाल के साथ साथ तमाम अहम सदस्य भी मौजूद रहने वाले हैं, सुभाष बराला और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे, और इसी के साथ वो कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लेंगे। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने यमुना में अन्य राज्यों से डाले जा रहे गंदे पानी की रोकथाम के लिए एक कमेटी गठित करने की घोषणा की है। कमेटी के अध्यक्ष कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ होंगे। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के 8वें दिन सदन में यमुना नदी में गंदे पानी को छोड़े जाने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह विषय अंतर्राज्यीय है, इसीलिए बातचीत से इसका हल निकाला जाएगा। उत्तर प्रदेश के लोगों की बहुत बड़ी
इस सत्र के बाद एक मीटिंग करेंगे और किस प्रकार से हमको, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार को भी अपना आवेदन करना पड़ेगा। वैसे पहले ये विषय चला हुआ है और इसमें दिल्ली के पानी को कैसे साफ करके यमुना में डाला जाए, एक पहलू पर काम चल रहा है। दूसरा एक पहलू ये भी है कि उस पानी का, चूँकि यमुना का पानी साफ पानी आगे तक जाए, उत्तर प्रदेश के लोगों की बहुत बड़ी, एक वृंदावन के लोगों की एक मांग है कि हमें गंदा पानी आता है। अब पानी तो जो यमुना का गंदा होगा तो सब तरफ जाएगा, इसलिए उसका अलग से कोई एक नाला गंदे पानी का बना करके चलाया जाए, फिर कोई ट्रीटमेंट प्लांट बना करके, उसमें फरीदाबाद का भी विषय साथ जुड़ता है, उसमें दिल्ली का भी जुड़ता है, तो उसको साफ करके यमुना में डाला जाए और साफ पानी ही फिर जो ओखला बैराज से और आगरा नहर में आए, इसके लिए एक मीटिंग तुरंत करके ये सब विधायक धनखड़ जी की अध्यक्षता में एक समिति में बनाता हूँ और इसके आधार के ऊपर फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। वही पंचकुला में एक्सटेंशन लेक्चरार अपनी मांगों को लेकर रात से ही धरने पर बैठे हुए हैं। लेक्चरार से पंचकुला चंडीगढ़ मार्ग पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक्सटेंशन लेक्चरार मास लीव लेकर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। धरने स्थल पर लेक्चरार ने खून से हस्ताक्षर कर ऐलान किया था कि वो कॉलेज नहीं जाएंगे। वही लेक्चरार्स ने सड़क पर उतर कर प्रदर्शन किया था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था, जिसमें कई प्रदर्शनकारी घायल भी हुए थे। एक्सटेंशन लेक्चरार का कहना है कि उन्होंने सरकार से जॉब सिक्योरिटी की गारंटी देने की मांग की है और साथ ही एक्सटेंशन लेक्चरर्स ने साफ किया है कि अपनी जॉब की गारंटी के लिए उन्हें जो भी लड़ाई लड़नी पड़े वो लड़ेंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंचकुला से शशि किरण अरोड़ा फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। शशि, एक्सटेंशन लेक्चरर लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, आमरण अनशन की बात वो कह रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल नेहा, जिस तरीके से जो है एक्सटेंशन लेक्चरर्स पिछले कल विधानसभा के घेराव के लिए पंचकुला से निकले थे, लेकिन पंचकुला और चंडीगढ़ के बॉर्डर पर उनको रोक दिया गया था, आगे नहीं जाने दिया गया था। हाँ। उनको रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग किया था और कुछ हल्का बल भी पुलिस को प्रयोग करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद भी एक्सटेंशन लेक्चरर है वहीं पर, पूरी रात भर वहीं पर डटे रहे, अभी भी वहीं पर बैठे हैं। उनका ये कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करती हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। एक्सटेंशन लेक्चरर के प्रेसिडेंट ईश्वर चंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर खबरें अभी तक में आपका। हाँ जी, नया जी नमस्कार। चलिए सर, जिस तरीके से हम देखते आ रहे हैं एक्सटेंशन लेक्चरर्स लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही, अब क्या कुछ रणनीति आपकी रहने वाली है? नेहा जी, ये बड़ा दुर्भाग्य है एक लोकतांत्रिक देश के अंदर की कल हमारी सैकड़ों बहने यहाँ हाउसिंग बोर्ड के ऊपर पूरी रात जी यहाँ पे डटी रही, यहाँ लेटी रही, इवन जो है सरकार की तरफ से हाँ। कोई उनको रजाई गद्दे कोई उनको अवेलेबल नहीं करवाए गए हाँ। और पूरी रात, मेरी ख्याल से ये पहला संगठन होगा जिसमें सैकड़ों की संख्या में बहनें जो है पूरी रात उनके यहाँ पे निकली जी। और सरकार बिल्कुल जो है गुंगी बैरी बनी हुई है। आप ये देखिए हमारी मांग क्या है, हमारी मांग कोई पैसे की नहीं है, हमारी केवल मांग ये कि भाई हमारा जो रोजगार है जैसा है उसको बनाए रखो, ये हमारा सेवादानी का अधिकार है। ईश्वर जी, तो सरकार इस बात को इतनी गंभीरता से क्यों नहीं ले रही, क्यों इस मांग को पूरा नहीं किया जा रहा? आपने कहा कि कई महिलाएं भी शामिल हैं जो रात भर से बैठी हुई हैं और आमरण अनशन की बात भी अब कर रहे हैं। मैडम ऐसा है, सरकार गंभीरता से तो कब लेना, जब सरकार इस मामले को गंभीरता से सोचे जी। हमारे अधिकारी है वो मिसगाइड करते हैं सीएम साहब को, एजुकेशन मिनिस्टर को जी, उनको गाइड सही नहीं करते। वर्कलोड पूरे हरियाणा में पड़ा हुआ है, लोग हमारे बाहर बैठे हैं, जबकि हाईकोर्ट ने भी ये कहा हुआ है, गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि उनको एडजस्ट करो हाँ। लेकिन शिक्षा विभाग इसमें सीरियस नहीं है बिल्कुल भी, और सरकार को मिसगाइड किया जा रहा है जी। इसके कारण हमारे सैकड़ों एक्सटेंशन लेक्चरर बाहर बैठे हैं और बाहर होने की कगार पे हो गई हाँ। चलिए ईश्वर जी, बहुत बहुत शुक्रिया खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात सभी तक पहुंचाने के लिए। तो एक्सटेंशन लेक्चरर लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, महिलाएं रात भर से बैठी हुई हैं और उनका कहना है कि वो यूं ही अपनी मांगों को लेकर अड़े रहेंगे जब तक सरकार उनकी मांग को नहीं मान लेती। फिलहाल हरियाणा हलचल में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।